Hey foodies, check this side. Today we are going to make masala chana. चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द इंस्टाग्राम हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज और 12 से 15 लहसुन की तुरियां. तो अब मैं इसको डालने वाली हूँ मिक्सिंग जार में और हम इसकी बनाएंगे एक पेस्ट. तो इसको कर देते हैं 1/4 कि इसको मिक्सिंग में हो जाए हेल्प, क्योंकि अगर हम पूरे का पूरा इसके अंदर डाल लेंगे तो हमारी मिक्सी के टूटने के चांसेस 100% है. तो हम इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर, इसके भी कर देते हैं 1/4. ज़रा ध्यान से, बच्चे इस स्टेप से दूर रहें क्योंकि हाथ कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं. यहाँ पर ये भी डाल देते हैं और ये लास्ट वाला मेरा हाथ में क्या है, तो डाल दीजिए इसको भी इसके अंदर. बचे वाले पार्ट भी डाल दो यार. ये गई गार्लिक अंदर. उप्स, डोंट वरी, मैंने अपना शेल्फ क्लीन कर दिया था. और अब हम इसको लगाएंगे मिक्सिंग ग्राइंडिंग में. और यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये तैयार है मेरी एक बहुत ही बेहतरीन सी पेस्ट. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तड़का. यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन जिसमें मैंने कुछ नहीं डाला, डायरेक्टली डालें आप अपनी अनियन का और गार्लिक का पेस्ट. तो यहाँ पर हमने बिना घी, बिना तेल, बिना किसी फैट मीडियम के इसको पहले डाला है. रीज़न इज़ अभी आपको इसमें पानी दिख रहा होगा, ठीक है. तो अभी हम स्टार्टिंग में इसका पहले पानी सुखाएंगे और पानी सुखाने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुछ हमारा फैट मीडियम. अभी ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे था. हाई फ्लेम हेल्प्स यू फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. तो अभी इसका पानी सूख चुका है यहाँ पर. इसको थोड़ा सा मैं स्टर कर लेती हूँ कि कहीं से कोई साइड चिपकी ना रह जाए. यहाँ पर पानी सूख चुका है और हम डालने वाले हैं यहाँ पर खूब सारा घी. जी हाँ, घी के बिना फ्लेवर कैसे आएगा यार. तो घी डालने के बाद अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स और इस स्टेज पर हम इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे कि कहीं ये नीचे चिपक ना जाए, जल ना जाए. फ्लेम इस टाइम पर एकदम हाई पर है और ये मैंने कर दिया अब मीडियम टू लो. तो इसे हम अच्छे तरीके से चला रहे हैं, चलाते रहिए इसको एकदम अच्छे तरीके से, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन तक नहीं चला जाता. तो इसे अब लगेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट. जी हाँ, 4 से 5 मिनट के बाद इसने ले लिया है बहुत ही खूबसूरत कलर. यहाँ पर हमारा प्याज जो है भुनकर एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है. इसे मैं थोड़ा सा मिक्स 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 कर लेती हूँ. और अब बारी है मसालों की. शुरू करते हैं हम हमारी हल्दी से और उसके बाद डालेंगे चना मसाला, पिसा हुआ धनिया मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला और चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार. इन सभी मसालों को अब हम इसके अंदर डाल देंगे, कुछ छूट ना जाए प्लेट में. सब मसाले डाल दीजिए अंदर. तो अब मैं करने वाली हूँ इसको मिक्स मिक्स एंड मिक्स कि मसाले और प्याज अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए. तो यहाँ पर हम डालने वाले हैं हमारी टमाटर की पेस्ट. कुछ नहीं, मैंने सिर्फ 3 टमाटर लेकर उसे पीस दिया था
अब हम इसे करेंगे मिक्स एंड मिक्स। अच्छे तरीके से इसे चला लीजिए। मसाला और टमाटर की पेस्ट एकदम घुल मिल जानी चाहिए। फ्रेंडली नेचर है यार। तो अब मैं इसको लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए और पकाऊंगी। नो माय गॉड, कलर देख रही हैं आप? आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा, बट डोंट वरी, मैं आपको सिखा रही हूँ ना। आप इसे अपने आप से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर मेरा मसाला पककर एकदम रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर कलर आया, कितना सुंदर। तो अब मैं इसे कर रही हूँ अच्छे से मिक्स एंड मिक्स। यहाँ से हमारा शुरू होता है रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला का सीक्रेट। यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी 1 कप उबला हुआ काला चना, जो हमने उबाला है काला चना उसी का 1 कप मैं डालने वाली हूँ अब इस मसाले में। मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये स्टेप यहाँ पर हमने इसलिए करा है क्योंकि ये स्टेप हमारे चना मसाला को एक अच्छा टेक्सचर, कलर और टेस्ट देगा। जो यहाँ पर अब मैं इसको मैश कर रही हूँ, ये हमारा चना मसाले को थिकनेस भी प्रोवाइड करेगा और जो मसाला है वो चने के अंदर अंदर तक घुस जाएगा। अब स्मैश मैंने कर दिया है और इसे अब हम कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स, साइड में कुछ पार्टिकल्स रह ना जाए। तो जी हाँ, अभी मैंने कर दी है फ्लेम एकदम स्लो पर। यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 कप चने का पानी, इसे भी मैं कर रही हूँ मिक्स। हमें 1 कप चने का पानी डालना है बट अभी के लिए मैंने 1/4 कप डाला है। इसे मैंने कर दिया अच्छे तरीके से मिक्स और अब हम डाल देंगे बचा हुआ 3/4 कप भी और इसे भी हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स एंड मिक्स। उप्स, गिर गया, कोई बात नहीं। अच्छे से मैंने इसको कर लिया है मिक्स, सारे साइड्स मैंने कर दिए हैं इक्वल। तो अब हम इसे पकाएंगे और 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। तो देखिए 5 मिनट बाद, ओ माय गॉड, ये आप कलर देख रहे हैं। This is called a perfect चना मसाला का तड़का। इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स। एंड वी आर गुड टू गो। ये बबल्स देख रहे हैं, दिस इज द साइन। तो बस अब हम अपने मसाले को डाल लेते हैं हमारे उबले हुए चने में। यहाँ पर मैंने मसाले को डाल दिया है मेरे प्रेशर कुकर में और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 1 विसल तक पकाऊंगी। मिक्स एंड मिक्स। तो इसे कर देते हैं अब हम कवर और 1 विसल तक हाई फ्लेम पर हम इसे पकाने वाले हैं। ध्यान रखिए ये मेरे उबले हुए चने हैं जिसमें मैंने डाला। एंड सी, वी आर गुड टू गो। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इजंट इट वर्दी टू वर्क हार्ड फॉर दिस रिजल्ट? खाने में तो एकदम लाजवाब। तो देर किस बात की है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट योर थॉट डाउन बिलो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और if you have any suggestions, please write it down to me in the comment section below, or you can reach to me through Instagram or Facebook. The handles are given below in the description box, and also the recipe and the method are also given below in the description box.
See you next time. Bye-bye.